हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू साहू टेक्निकल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आप कैसे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पे अपनी खुद का फ्रंट आप ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आप लगभग 50 प्लस फ्रंट्स को, लगभग हर यूट्यूबर उनके थंबनेल पे जो फ्रंट यूज़ करते हैं टेक्स्ट में, उस फ्रंट को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे आप उस फ्रंट को पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों साथ में आप लोगों को बता दूं कि इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाके पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। और दोस्तों मैं यहां पर पहले ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे आप कोई भी टेक्स्ट को अच्छी खासी जो है एक फ्रंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं टेक्स्ट के ऊपर कोई भी अभी लिख लेता हूँ। और दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो अभी टेक्स्टली टाइप किया, तो इसको हम लोग एक अच्छा खासा फ्रंट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो ए वाला बटन है यहाँ पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पे जाना होगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट्स, उसके बाद माई फ्रंट्स और यहाँ पर रिसेंट। तो मैं यहाँ पर फ्रंट की बात कर लूँ तो यहाँ पर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से जो जो फ्रंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो उस फ्रंट्स को आप यहां पर देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पे, फ्रंट के ऑप्शन पे। और यहां पर रिसेंट मतलब आप कोई भी फ्रंट पहले यूज़ कर चुके हैं तो उस फ्रंट को आपको यहां पर दिखाएगा। और यहां पर माय फ्रंट में असली काम है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं टी प्लस ये वाला जो ऑप्शन, और यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, प्लस का लोगो है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों के पास कोई भी फ्रंट का फाइल जैसे कि .ttk या OTT ऐसा कुछ फ्रंट का फाइल रहता है तो उसे आप यहां पर से डायरेक्ट ले सकते हैं। और यहां पर ये जो फोल्डर का बटन है यहां पर क्लिक करके कोई भी फोल्डर पे आपके यदि फ्रंट्स भरा पड़ा है तो उसको डायरेक्ट सभी फ्रंट्स को यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जाके हम लोग मेरे जो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन है उस फोल्डर के अंदर जो है हम लोगों का फ्रंट्स है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट्स और एक लोगो दिया हुआ है, तो ये वाला जो इमोजी इसको ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड डायरेक्टली कर देंगे। तो यहां पर उस फोल्डर के अंदर जितने भी फ्रंट्स थे तो वो सब यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 50 प्लस जो है आपको फ्रंट्स मिल जाएगा यहां पर। तो मेरा जो फेवरेट फ्रंट्स है मैं वो वाला फ्रंट को ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला फ्रंट। तो ये जो फ्रंट है मेरा जो फेवरेट फ्रंट के अंदर ही पड़ता है, तो ये वाला फ्रंट। तो इसको देख के यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका लुक किस तरह का हो गया है। और इस फ्रंट के ऊपर आप ये वाले स्टोक को कर दीजिए इनेबल और इसका वेट आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 6 कर दीजिए और यहाँ पर डन। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट है इस तरह से हो गया है। आई होप आप लोगों को ये जो फ्रंट है अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कैसे फ्रंट्स को डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को बता दूं कि फ्रंट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा, वहां पर जाके डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।